नमस्ते दोस्तों, सावित्री शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको रसगुल्ले बनाने की रेसिपी बताएंगे। ये हमने 1 लीटर दूध फटा हुआ लिया है। कपड़े की सहायता से अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे। मार्केट से भी अच्छे रसगुल्ले आप अपने घर में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही स्पंजी बनते हैं। इतना पनीर हमारा निकल चुका है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। रसगुल्ले सभी को पसंद आते हैं। इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने बाउल लिया है। इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे। इसमें 100 ग्राम शक्कर डालेंगे। हमें चाशनी को गाढ़ी नहीं रखना है, पतली बनाना है। इसमें 2 बड़ी चम्मच दूध भी डालेंगे ताकि हमारी चाशनी का कलर अच्छा आए। उससे हमारी चाशनी साफ हो जाएगी। इसे हमें पकाना है उबाल आने तक, और जब तक हम पनीर को देखेंगे। हमारा पनीर ठंडा हो चुका है। इसे हमें इस तरह से सॉफ्ट करना है। हाथ से सॉफ्ट करना चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्राइंडर में भी डालकर सॉफ्ट कर सकते हैं। हम ग्राइंडर में डाल के सॉफ्ट करेंगे क्योंकि हाथों से टाइम लग जाता है। हमने पनीर को ग्राइंड कर लिया है। हमने पनीर को ग्राइंड इसलिए किया है क्योंकि पनीर दरदरा होता है। अगर आप हाथ से सॉफ्ट करते तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती। देखिए हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट है, इसमें एक भी दाना नहीं है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारी चाशनी को देखेंगे और इसमें साइडों में लगा उसको निकाल लेंगे। दूध डालने से हमारी चाशनी आसानी से साफ हो जाती है। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम रसगुल्ले तैयार करेंगे हाथों की मदद से और सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसकी इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। सभी को इस तरह से बना लेंगे। हम सभी रसगुल्लों को चाशनी में डाल लेंगे। इन्हें हम चम्मच की सहायता से हिलाते रहेंगे। ये चाशनी में जाते ही फूल जाते हैं। इन्हें 15 मिनट तक चाशनी में रखेंगे। गैस की फ्लेम को तेज रखना है। 15 मिनट में बीच बीच में चेक करना है। ये दिखने में बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। हम फिर से 1 कप पानी का डाल लेंगे ताकि हमारी चाशनी गाढ़ी ना हो। हमारी चाशनी पतली होनी चाहिए। देखिए हमारे रसगुल्ले कितने स्पंजी बने हैं और कितने सॉफ्ट बने हैं। बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं हमारे रसगुल्ले। देखिए हमारे रसगुल्ले बन चुके हैं, इनको सर्व करेंगे। अगर आपको हमारे रसगुल्ले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक